बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा पार्ट है इसका कर्व स्केचिंग का, जिसमें आप देखेंगे कि ये है कि कर्व स्केच करना है। सपोज वाई स्केच करना है, स्केच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1। सपोज तो सबसे पहले इसके मैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करूंगा। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लूँ, अगर इसके एक्सिस मुझे ड्रॉ करने हैं तो, और फिर मैं उसी तरीके से करता जाऊंगा। इधर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके मैं एक्स इंटरसेप्ट मालूम करूंगा, तो पुट अगर वाई जीरो करूं, वाई जीरो करूंगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x0 आ जाता है। तो एक्स कॉमन जाता है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -2। इसके दो इंटरसेप्ट मिलते हैं, एक ये मिलता है हमारा 0 0 इस पे, और एक्स इज इक्वल टू -2, 0 पे, -2, 0 पे ये कर्व क्रॉस करेगी इस तरह। तो एक तो होगा ये 0 0 और -2, 0। अच्छा, उसके बाद मैं इसका एक्स वाई इज इक्वल 0 रखा। अभी एक्स इज इक्वल अगर 0 रखूँ तो एक्स अगर पुट एक्स इज इक्वल 0 रखें तो हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है। ये हम इंटरसेप्ट मालूम करें एक्स 0, तो वाई भी जो है अगर एक्स में 0 रखूँ तो वाई भी 0 ही आ जाता है। यानी ये बेसिकली इसका वाई इंटरसेप्ट यही है जो देखो, यानी ग्राफ कर्व सब वाई एक्सिस को इस जगह पे क्रॉस करेगी, एक्स एक्स को इधर भी करेगी, इधर भी करेगी। उसके बाद हमारा आता है इसका एजम्पटोट का। देखिए, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है तो इसमें ऑब्लिक एजम्पटोट है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1। इसको आप डिवाइड करेंगे, बिल्कुल इस डिवाइड करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर डिवाइड करें एक्स प्लस 1 के साथ, तो ये एक्स है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स, ये प्लस था माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स। अब इधर 1 आ जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1, और ये प्लस करेंगे प्लस, ये माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो ये माइनस आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वाई इज इक्वल एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1। तो इस तरीके से, तो इसका मकसद ये हुआ कि ऑब्लिक और साइम्प्टोट जो आ रहा है, ऑब्लिक और साइम्प्टोट आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऑब्लिक असाइम्प्टोट आ रहा है, यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट, और x इज इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव ग्रेडियंट, x इज इक्वल टू 1, और ये -1 से क्रॉस करेगा इधर, यानी ये हमारा जो है असाइम्प्टोट जो बनेगा ये इस तरीके से जाएगा। देखिए ये स्केच ही है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। ये हमारा असाइम्प्टोट है, असाइम्प्टोट इसको डॉटेड होना चाहिए, ये डॉटेड मुझे हाथ से करना पड़ता है। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये 0, 1 और ये -1, 0। अच्छा, अब ये असाइम्प्टोट है और ये कर्व है, इसको भी क्रॉस करती है कर्व। अच्छा, अब देखिए कि मुझे और असाइम्प्टोट इसमें क्या है। आप देखेंगे जो और असाइम्प्टोट मिलेगा इसमें, वो आपका यकीनन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या आप देखें कि वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 है। तो इसको x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, एक असाइम्प्टोट और x इज इक्वल टू -1 असाइम्प्टोट है, x इज इक्वल टू -1 का असाइम्प्टोट है। अच्छा, अब देखिए ये -1 पे ये भी मिल रहा था और ये भी, यानी x इज इक्वल टू -1 है असाइम्प्टोट,
ये माइनस वन का पॉइंट है, नहीं आया, सही सही नहीं आया, आई एम सो सॉरी। ये दोनों सही नहीं आ रहा, अभी भी सही नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी कि ठीक नहीं आ रहा। सारी बात है, कर्व में ये चीजें तो होती ही हैं। करता हूँ, दो दो बार निकाल देता हूँ तो फिर सीधा आएगा। अभी ठीक है, अजाइम डॉट, ये हमारा जो है ये भी डॉटेड होगा, देखिए कर्व जो है। अब एक कॉमन सेंस से भी देखें, एक कर्व इस पॉइंट को पास करती है, ये भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है, तो ये इधर डॉटेड, ये देखिए ये कर्व इस तरीके से जाके बनती है। अब कर्व स्केच कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें देखें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी करेंगे तो वो इन जीरो एक्स इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप देखें इसमें हाजिर, यानी ये आपका एसिम्प्टोट ऐसे जाके ऐसे, क्यों नहीं हो रहा, सॉरी कर्व नहीं निकल रहा। कर्व स्केच करेंगे सब इधर से, सिंपल है, इधर से कर, ये एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है, तो ये इधर से आके कर्व ये इधर इधर चली जाएगी इस तरह, ये कर्व जैसा थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनेगा। सही मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए इस तरह, आपका शायद नोट पेन पे अच्छा आ जाए, अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब बेहतर है। सिर्फ ये सच है इधर वाला, बस ठीक है, अब अच्छा है माशाल्लाह, अब बेहतर है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ठीक है। एक हिस्सा तो ये रहा, देखें ये इसको भी क्रॉस किया, इसको भी एसिम्प्टोट, इसको भी एसिम्प्टोट, दूसरा ये हिस्सा भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट, इधर क्रॉस करेगा तो ये ऐसे जाएगा। देखिए ये पूरा कर्व है, देखिए हर पॉइंट पे, इधर भी प्लॉटेड है, इनके बीच में भी है, सब जगह पे, तो ये हमारा इस तरीके से प्लॉट हो गया ये कर्व। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बिल्कुल नहीं था, एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट था और दूसरा था हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट।